तो अभी आप आ गए हैं हमारी जो कटिंग यूनिट है, यहाँ पे कटिंग का सेक्शन है, ये कटिंग होती है। कटिंग के लिए, मार्किंग करने के लिए पहले हमारे ये फैब्रिक भेजा जाता है, जैसे कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, एचपी का किसी पेट्रोल पंप का ऑर्डर है, जो प्रमोशन के लिए अपने पास टी शर्टें बनवाते रहते हैं, इनकी कॉलर टी शर्ट हमारे पास रेडी हो चुकी है, पूरा सैंपल बन के तैयार। हाँ, ये इनकी कॉलर टी शर्ट है, प्रिंटिंग होकर ये कॉलर टी शर्ट रेडी हो गई है। हाँ जी, जो रनिंग वरायटी है, इस तरह से हम यान लुधियाना या गुजरात से हमारे यान आते रहते हैं, जैसे ऑन ऑर्डर के हिसाब से यान आते रहते हैं। कुछ ऐसे वैरायटी हैं, पॉलिस्टर हो गई हमारी, लाइक्रा हो गई हमारी, ये सारी वैरायटी हमारी ऑलरेडी स्टॉक में रहती है, ऑन ऑर्डर आते ही हम बना देते हैं, या फिर टी शर्ट भी स्टॉक में रखते हैं इनकी हम। अच्छा अच्छा, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग आ गए हैं स्टिचिंग एरिया में, यहाँ पर देख सकते हैं मशीन लगा हुआ है, ठीक है, कैसे स्टिचिंग हो रहा है आप लोग देख ही पा रहे होंगे। स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चेस्ट होती है, वो चेस्ट साइज आता है, वो 20 आता है। अच्छा, आप देख लीजिए मेरा जो साइज रहेगा वो 20 प्लस ही रहने वाला है। अच्छा, ड्राई फिट जो होता है, ड्राई फिट की वैरायटी आप दिखा देता हूँ, जो कि 160 जीएसएम 170 जीएसएम में चलता है। अब ड्राई फिट की वैरायटी की फिनिशिंग है, मैं आपको ये स्टॉक में रखा हुआ पीस दिखा रहा हूँ, कोई नॉर्मली सैंपल पीस बना के नहीं रखते हम जी। आप इसकी फिनिशिंग देख लीजिए, आप इसकी प्रेस का सेशन देख लीजिए, सारे कपड़ा बनाने वाला मुलायम, बहुत ही फाइन फैब्रिक होता है, जरा से भी इसमें इचिंग या ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं जी। सिलिकॉन भी हम एक्स्ट्रा करवाते हैं ताकि उसमें सॉफ्टनेस भी रहे। अच्छा, आप ये डॉट नेट की हमारी वैरायटी है, डॉट नेट का स्टॉक हमारे पास ठीक ठाक रहने वाला है। अच्छा, इनके बच्चों के जो साइजेस होते हैं, किट साइजेस होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो प्रिंटिंग चल रही है मशीन पे, हीट ट्रांसफर पे, वो सब्लिमेशन चल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इंप्रेशन आता है सब्लिमेशन का। प्रिंटिंग हो चुका है ना भैया? हाँ जी, ये प्रिंटिंग हो गई है, बहुत ही कम टाइम में होती है, बट सबसे ड्यूरेबल प्रिंटिंग मानी जाती है। मतलब ये छूटेगा नहीं ना कभी? नहीं सर, आप इसको कितना भी आप वाश कर लो, कितना भी रगड़ लो। अच्छा, ये प्रिंटिंग का कभी आपकी छूटने वाली नहीं है जी। आपकी कुछ टाइम बाद जब भी आपको मतलब जरूरत हो, जब भी होगी, टी शर्ट फट सकती है, टी शर्ट फट जाएगी, बड़ी प्रिंटिंग नहीं छूटेगी। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज का यह जो वीडियो है होलसेल टी शर्ट ऊपर होने वाला है। मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में विजिट कराया हूँ, इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यूपी के लखनऊ में होने वाला है, और आप लोग देख पा रहे हैं इनके फॉर्म का नाम है नारायणा टेक्सटाइल। यहाँ पर ठीक है, मतलब बल्क में जो टी शर्ट है, काफी ढेर सारा वैरायटी और पैटर्न में बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं नारायणा टेक्सटाइल से जुड़ना, अपने ठीक है काम को करना, तो कैसे जुड़ सकते हैं? अगर आप लोगों को मंगवाना है इनका टिकट टी शर्ट, अगर आप लोगों को प्रिंट करवाना है अपने ब्रांड के नाम से, तो आप लोग कैसे करवा सकते हैं? हम लोग इनका पूरा फैक्ट्री टूर देखेंगे, यहाँ के जो ऑनर है भैया को बुलाएंगे, जो इनका जो मिनिमम प्राइस है कितने से स्टार्ट है, और जो मैक्सिमम प्राइस है क्या रहने वाला है, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं इनसे जुड़ना, तो वीडियो के अंत तक पूरा बने रहे, कैसे क्या डिटेल देने वाला है सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए यहाँ के जो भैया है उनको बुलाते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं नारायणा टेक्सटाइल के जो ऑनर है भैया है हमारे साथ मौजूद है। भैया कैसे हैं? नमस्कार सर। पहले आपको भी नमस्कार। जैसे भैया बहुत दिन से आप कह रहे थे कि स्वयं भाई एक वीडियो किया जाए ठीक है टी शर्ट का, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं आपके फैक्ट्री आउटलेट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो टी शर्ट देखने वाले हैं, किस किस वैरायटी में आप बनाते हैं ठीक है, और जो हमारे बहुत से भाई लोग हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले तो मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम विकास पाठक है जी। मेरा फर्म का नाम नारायण टेक्सटाइल्स है। हम यहाँ पे C1/554 रतनखंड आसियाना, नियर बाई आसियाना, शारदा नगर योजना में हमारी फैक्ट्री लोकेटेड है। अच्छा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रमोशनल टाइप की जो टी शर्टें हैं वो बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। जिसमें पॉलिस्टर, ड्राई फिट, माइक्रो पीपी, निर्मल नेट, डॉट नेट, पीसी मैटी, इन सारी वैरायटी की जो टी शर्टें वो बनती हैं। अच्छा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो भी फैब्रिक होते हैं, सबसे पहले जो फैब्रिक बनते हैं, उन फैब्रिक के लिए सारे यान जो आते हैं वो लुधियाना और अहमदाबाद से आते हैं जी। उन यान के लिए मैं खुद भी जाता हूँ लुधियाना, जाके विजिट कर रहा हूँ फैक्ट्रियों को। मैं आपको एक क्लिप भी डाल देता हूँ इसके बीच में। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से हम जाके वहाँ पे फैक्ट्री में विजिट करके इस तरह से यान बनते हैं, उनकी क्वालिटी देखता हूँ, इनकी डाइंग का प्रोसेस देखता हूँ, कौन कौन से धागे ये लोग यूज कर रहे हैं, ताकि उसे हमारे कस्टमर जब पहने उसे कभी कोई इचिंग की दिक्कत ना आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो फैब्रिक में, इसलिए हम वो फैब्रिक की क्वालिटी को अच्छे से कस्टमाइज करवाते हैं। अच्छा भैया, कपड़े की बात करें तो आप कौन कौन सा कपड़ा यूज करते हैं टी शर्ट बनाने? फैब्रिक के में सर, टी शर्ट बनाने के लिए हम पॉलिस्टर, मेरे पास स्टार्ट होता है लगभग 90 जीएसएम पॉलिस्टर से जी। पॉलिस्टर, माइक्रो पीपी, ड्राई फिट, सरीना, डॉट नेट, निर्मल नेट, कॉटन पीसी 100% कॉटन, बायोवास 100% कॉटन, स्पन मैटी, निर्मल नेट कॉलर,
पीसी मटी। अच्छा। ये फैब्रिक हमारे पास करंटली यूज हो रहे हैं, बाकी किसी भी पार्टी को कोई अदर फैब्रिक चाहिए ऑन ऑर्डर आप बनवा सकते हैं क्वांटिटी में। अच्छा भैया, और बात कहें तो ये जो आपका फैक्ट्री है उल्टे कब से लखनऊ में काम कर रहा है? लखनऊ में हमारी फैक्ट्री हुए अबाउट फाइव से ओपनिंग हुई है, यहाँ पे फरवरी 2023 से ही ओपनिंग हुई है। इसके अलावा हमारी और भी फैक्ट्रियां चल रही है, जो की उत्तराखंड में फैक्ट्री है हमारी एक। अच्छा। यहाँ पे फैक्ट्री या ये जो ब्रांच है ये पहला ब्रांच है, आगे हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और भी ब्रांच लगाए या एक ब्रांच बिहार साइड पे लगाए जैसे ही अवेलेबल रहेगी। फिलहाल अभी यहीं से ही हम ऑल ओवर इंडिया हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कोरियर के थ्रू, बस के थ्रू, रेलवे के थ्रू हम मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो मिनिमम प्राइस रहने वाला टी-शर्ट का कितने से शुरू हो जाए? मिनिमम प्राइस सर मेरे पास, आपको जो प्राइस मेरे पास मिल रहा है ये प्राइस आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जी। परफेक्ट साइजिंग के साथ, परफेक्ट स्टिचिंग के साथ, फैब्रिक की क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट होनी है। मतलब उसी कुछ करते हैं बल्क, एकदम बल्क क्वांटिटी में करते हैं सब कुछ, परफेक्ट साइजेस के साथ में आपको हमारे पास जो टी शर्ट मिलेगी वो स्टार्ट होने वाली है ओनली 38 रुपीज से। अच्छा, हम ओनली 38 रुपीज से स्टार्ट है और मैक्सिमम प्राइस क्या रहने वाला है? मैक्सिमम प्राइस सर ये मैक्सिमम ही है 38 रुपीज। अगर आप फैब्रिक की अगर हम बात करेंगे अलग अलग कपड़ों में, ये पॉलिस्टर का मैंने आपको रेट बताया, मैक्सिमम प्राइस 250-240 तक टी शर्टें जाती हैं अलग अलग वैरायटी में। जैसे ये पीसी मैटी की टी शर्ट है, ये अभी प्रिंट हुई है, पीसी मैटी सबसे हाई क्वालिटी की कॉर्पोरेट टी शर्ट मानी जाती है जी जी। इसकी टी शर्ट की कॉस्ट हमारे पास स्टार्ट जो हो रही है वो लगभग 220 रुपए से स्टार्ट हो रही है। अच्छा ठीक है, तो ये आए चलते हैं आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पर देखते हैं कैसे जो कपड़ा है प्रिंट होता है, ठीक है, कैसे कटिंग वगैरह होता है, चलते देखते हैं। चलिए मैं आपको एक बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करा देता हूँ, कटिंग प्रोसेस, स्टिचिंग प्रोसेस, प्रिंटिंग का प्रोसेस, प्रेस का प्रोसेस, हमारे स्टॉक के बारे में, उनके बारे में आपको एक बार फैब्रिक भी ऑनलाइन व्यू करवाता हूँ। तो अभी आप आ गए हैं हमारी जो कटिंग यूनिट है, यहाँ पे कटिंग का सेक्शन है, ये कटिंग होती है। कटिंग के लिए, मार्किंग करने के लिए पहले हमारे ये फैब्रिक भेजा जाता है, जैसे कि ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑर्डर चल रहा है। अच्छा, ठीक है, एचपी का किसी पेट्रोल पंप का ऑर्डर है, जो प्रमोशन के लिए अपने पास टी शर्टें बनवाते रहते हैं, इनकी कॉलर टी शर्ट हमारे पास रेडी हो चुकी है, पूरा सैंपल बन के तैयार। हाँ, ये इनकी कॉलर टी शर्ट है, प्रिंटिंग होकर ये कॉलर टी शर्ट रेडी हो गई है नॉर्मल नेट की वैरायटी में। बाकी इनकी जो राउंड नेक वैरायटी है कुछ प्रिंटिंग चल रही है, कुछ के लिए कटिंग के लिए मार्किंग हो रही है, मार्किंग हो जाएगी। एक साथ 100, 200, 500, 1000 पीस जितने पीस का ऑर्डर होता है जी, वो उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, जो भी पार्टी के साइजेस रहेंगे उनके साइजेस के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड के पैटर्न के हिसाब से हम वो सारे पैटर्न काट लेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लाइव स्टिचिंग हो रहा है, ठीक है, कैसे वर्क होता है, काम होता है, सब कुछ जान रहे हैं भैया आप लोग को, ठीक है, एक एक करके सब कुछ बता रहे हैं। बाकी भैया और क्या जो स्टिचिंग में और क्या क्या देखना चाहिए? इसके बाद आप आ जाइए, मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग का स्टिचिंग सेक्शन दिखाता हूँ। ये कटिंग का प्रोसेस था, कटिंग के प्रोसेस के लिए आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास लगभग कितने रोल हमारे पास ऑलरेडी 10-20 रोल हमारे पास पड़े रहते हैं हमेशा स्टॉक में। ये सब मतलब कपड़ा रहने वाला? हाँ जी, जो रनिंग वैरायटी है, इस तरह से हम यान लुधियाना या गुजरात से हमारे यान आते रहते हैं, जैसे ऑन ऑर्डर के हिसाब से यान आते रहते हैं। कुछ ऐसे वैरायटी हैं, पॉलिस्टर हो गई हमारी, लाइक्रा हो गई हमारी, ये सारी वैरायटी हमारी ऑलरेडी स्टॉक में रहती है, ऑन ऑर्डर आते ही हम बना देते हैं या फिर टी शर्ट भी स्टॉक में रखते हैं इनकी हम। अच्छा अच्छा, तो अब आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग आ गए हैं स्टिचिंग एरिया में, यहाँ पर देख सकते हैं मशीन लगा हुआ है, ठीक है, कैसे स्टिचिंग हो रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे। और भैया जानते हैं इसे बहुत से लोग टी शर्ट देते हैं तो चोर साइज देते हैं, थोड़ा इसको हम राइट हैं उस बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, ब्रीफ कराऊंगा, लगभग हर एक वीडियो में ब्रीफ करता हूँ। हमारे पास जो भी वैरायटी है, चाहे वो कितने भी सस्ता से सस्ता फैब्रिक हो, सस्ते सस्ता रेट हो, उस वैरायटी के हम किसी भी फैब्रिक में हम साइजेस में अपने कम नहीं करते। लाइक ये अभी आप देख रहे हैं ये निर्मल नेट की वैरायटी है, ठीक है, इसको लोग दिल्ली में डॉट नेट के भी नाम से जानते हैं, कुछ लोग ड्राई फिट के भी नाम से जानते हैं, हर जगह का हम जो एक्चुअल फैब्रिक का नाम होता है उस फैब्रिक के नाम से ही हम पीस को बुलाते हैं। लाइक ये हमारा अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, ये कौन सी साइज का पीस है? लार्ज। ये लार्ज साइज का पीस है, लार्ज साइज आने वाला है। अब लार्ज साइज के पीस में मैं आपको साइज मेजरमेंट करके दिखा दूंगा कि मेरे पास जो साइजेस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। लार्ज साइज का इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चेस्ट होती है वो चेस्ट साइज आता है वो 20 आता है। अच्छा, आप देख लीजिए मेरा जो साइजेस रहेगा वो 20+ ही रहने वाला है। अच्छा, 20+ ही रहने वाला है, 20+ से लेके 20 ही रहता है, लेंथ जो होती है वो उसकी 27 आती है, वो 27 से प्लस ही आएगा मेरा। अच्छा, हम साइजेस में कभी कोई चोरी नहीं करते, वो कितना भी हल्का फैब्रिक हो, इवन कोई पार्टी बोलती है तो भी हम जल्दी साइजेस छोटा करके नहीं काटते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे जो पैटर्न होते हैं वो कोरल के थ्रू डिजाइन होते हैं, वो ऑलरेडी पैटर्न सेट होके ही उसी तरह से आते हैं, उसी के हिसाब से ही हम कटिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, ये तो रहा आपका ये सैंपल, बात करते हैं बहुत से लोग कलरफुल भी डिमांड करते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ वो कलरफुल भी मिल जाता है क्या? हमारे पास जो जो देखिए कलरफुल की अगर बात रही तो जो भी पार्टी का ऑर्डर होता है उसके अनुसार ही हम बनाते हैं ऑर्डर पे। लाइक ये स्काई ब्लू पार्टी का ऑर्डर है, अच्छा, वो जैसे मैंने आपको दिखाया हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्रिंटिंग चली है, उन्हीं का ऑर्डर है, उनका ऑर्डर चल रहा है तो हम उनके कलर बनाए, बाकी जिस कलर में जिसकी जो रिक्वायरमेंट हो, जो रनिंग कलर होते हैं ब्लैक हुआ, व्हाइट हुआ, इन सब ज्यादा राइट राइट राइट
है, जो भी स्टॉक जिस कलर का ऑर्डर रहता है उस कलर के ऑर्डर बनाते हैं। कुछ फैब्रिक के हम स्टॉक रखते हैं जिनका हमारे पास रेगुलर स्टॉक रहता है। रनिंग कलर जो होता है मोस्टली हमारा व्हाइट ही होता है। मैं आपको उनकी वैरायटी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे मेरे पास जो सीजनली वाइज चलता है वो सब आपको। हाँ जी, वो मेरे पास लगभग रेगुलर स्टॉक रहता है, हमेशा मिलने वाला है सबको। ठीक है, तो आइए चलते हैं सैंपल एरिया में। जो आप स्टॉक रखते हो मैं स्टॉक एरिया आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप आ गए हैं स्टॉक एरिया में। आप स्टॉक एरिया में देखेंगे मेरे पास जो वैरायटी लगी हुई है लगभग यहाँ पॉलिस्टर 100 जीएसएम से स्टार्ट होता है। ये आप देख लीजिए पॉलिस्टर 100-110 जीएसएम का स्टॉक है, क्योंकि हमेशा ही हमारे पास ये स्टॉक रहने वाला है, हमेशा फैब्रिक स्टॉक होता है। इसकी भी साइज हमारे पास मीडियम साइज का टैग लगा हुआ है, आप मीडियम साइज देख सकते हैं, एग्जैक्ट मीडियम साइज का ही पीस रहेगा। राइट, स्टिचिंग भी सब जैसे ये तो आपको मतलब खाली सिंपल है, इसके ऊपर भी आप कुछ काम करते हैं क्या? ये सिंपल है, इसके ऊपर आप आ जाइए, आप देख लीजिए हमारे पास माइक्रो पीपी ड्राई फिट जो होता है, ड्राई फिट की वैरायटी आप दिखा देता हूँ, जो कि 160 जीएसएम 170 जीएसएम में चलता है। जी जी, अब ड्राई फिट की वैरायटी की फिनिशिंग है, मैं आपको ये स्टॉक में रखा हुआ पीस दिखा रहा हूँ, कोई नॉर्मली सैंपल पीस बना के नहीं रखते हम। जी, आप इसकी फिनिशिंग देख लीजिए, आप इसकी प्रेस का सेशन देख लीजिए, सारे कपड़ा बनाने वाला मुड़ा बहुत ही फाइन फैब्रिक होता है, जरा से भी इसमें इचिंग या ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। जी जी, सिलिकॉन भी हम एक्स्ट्रा करवाते हैं ताकि उसमें सॉफ्टनेस भी रहे। अच्छा, आप ये डॉटनेट की हमारी वैरायटी है, डॉटनेट का स्टॉक हमारे पास ठीक ठाक रहने वाला है। अच्छा, इनके बच्चों के जो साइजेस होते हैं किड साइजेस होते हैं 26, 28, 20 जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है। हाँ जी, वो बना रहता है, वो स्टॉक में भी रहता है। ऊपर सरीना जो होता है, सरीना सबसे रनिंग वैरायटी जो होती है वो सरीना होती है, 120-130 जीएसएम मार्केट में जो आपको सरीना मिलेगा वो लगभग 110 जीएसएम का होता है, पर हमारे पास जो सरीना रहेगा वो आपको 120 जीएसएम प्लस ही सरीना मिलेगा। अच्छा, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में, प्राइस भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप जब भी चाहें कैटलॉग से आप प्राइस ले सकते हैं। एक बार मैं प्राइसिंग में भी आपको ब्रीफ कर दूंगा, प्राइसिंग के बारे में भी रफली। ये निर्मल लेट की वैरायटी है जो कि सबसे फाइन और रनिंग वैरायटी होती है निर्मल लेट। अच्छा, काफ़ी अच्छा कपड़ा होता है इसके लिए। जी ठीक है, तो भैया आपने एक एक करके सब कुछ हमको दिखा रहे हैं, जो हमारे व्यूअर है वो लोग देख भी रहे होंगे कैसे कटिंग होता है, स्टिचिंग होता है, कपड़ा कौन सा है, ठीक है ये सब बताएं। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? इसके बाद आप आ जाइए, थोड़ा सा मैं आपको प्रिंटिंग दिखा देता हूँ किस तरह से प्रिंटिंग होती है। अच्छा, प्रिंटिंग के बाद हम चलेंगे आपको फैब्रिक के हमारे प्रिंटिंग किस तरह से होता है वो सब, डिजिटल प्रिंटिंग हमारे पास किस किस टाइप की प्रिंटिंग होती है। अच्छा, बेसिकली ये टी शर्ट अभी प्रेस जो हो रही है ये हो रही है कॉटन बायोवास की 220 जीएसएम की ओवरसाइज टी शर्ट। अच्छा, ये हम किसी कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस कंपनी का टैग लगा हुआ है तो मैं टैग उस कंपनी का नहीं शो कर रहा हूँ आपको। अच्छा, आप ये देख लीजिए बहुत ही मतलब सॉफ्ट फैब्रिक होता है और बहुत ही हाई वेटेड में होता है ये फैब्रिक। ये ओवरसाइज टी शर्ट के लिए फैब्रिक सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके साइजेस के हिसाब देख लेंगे। दूसरी चीज़ एक जानकारी देना, मैं आप लोगों के आपके क्लाइंट्स के लिए एक जानकारी देना भूल गया, आपके व्यूअर्स में जाइए कोई भी क्वांटिटी में काम कर रहा है, होलसेल में काम कर रहा है, किसी को भी अगर अपने टी शर्ट में अपने टैग लगवाने हैं, लाइक वो होलसेल में काम करते हैं वो नहीं चाहते कोई और टैग लगाए, तो हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम किसी में भी अपना ब्रांड का टैग नहीं लगाते हैं, हम नॉर्मल लेबल लगाते हैं। कोई भी पार्टी हमें अपना टैग प्रोवाइड कर रही है तो हम उसका भी टैग उसमें स्टिच कर देंगे और इसके लिए हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। चार्ज नहीं करेंगे जी, नहीं कोई भी चार्ज नहीं करते पैसे में, राइट भी कर देंगे। काफ़ी लोग हैं कि आपको 2-1 रुपये चार्ज करते हैं, टैग आपको अपना प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टिचिंग के लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। जैसे नॉर्मल टैग लगा रहे हैं हम, उसी तरह से हम आपका अपने ब्रांड का भी आपके ब्रांड का भी हम टैग लगा देंगे। अच्छा अच्छा, बायोवास के साथ में आप ये देख लीजिए पीसी मैटी की टी शर्टें हैं, यहाँ पर पूरा पूरा पैकिंग करके रखा हुआ है। राइट राइट, ये पीसी मैटी की टी शर्टें हैं जो कि प्रिंट चल रही है इस समय। अच्छा, प्रिंटिंग चल रही है, आईलेक्स एक कंपनी है बायोलॉजिकल। ये साइज की बात करें तो मतलब सब साइज मिलेगा, सारे साइजेस, आप अगर साइजेस के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, जो भी बच्चों के साइजेस होते हैं, बच्चों के साइजेस अगर आपको 18 से स्टार्ट होता है, 18 से लेके 44 तक या उसके प्लस भी अगर आपको जाना है तो आप जो भी साइज बताएंगे वो साइज आपका ऑन ऑर्डर बनेगा। ठीक है, तो ये आई चलते हैं थोड़ा डिजिटल प्रिंटिंग भी देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रिंटिंग चल रही है वो डिजिटल सब्लिमेशन की प्रिंटिंग चल रही है, बिकॉज निर्मल नेट में जो प्रिंटिंग आती है काफी फाइन आ जाती है। सब्लिमेशन प्रिंटिंग एक्चुअली सबसे ड्यूरेबल प्रिंटिंग होती है, सबसे सस्ती भी मानी जाती है और सबसे ड्यूरेबल प्रिंटिंग भी मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे जो प्रिंटिंग चल रही है मशीन पे हीट ट्रांसफर पे वो सब्लिमेशन चल रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से इंप्रेशन आता है सब्लिमेशन का। प्रिंटिंग हो चुका है ना भैया? हाँ जी, ये प्रिंटिंग हो गई है, बहुत ही कम टाइम में होती है, बट सबसे ड्यूरेबल प्रिंटिंग मानी जाती है। मतलब ये छूटेगा नहीं ना कभी? नहीं सर, आप इसको कितना भी आप वॉश कर लो, कितना भी रगड़ लो, ये प्रिंटिंग कभी आपकी छूटने वाली नहीं है। आपकी कुछ टाइम बाद जब भी आपको मतलब जरूरत हो, जब भी होगी, टी शर्ट फट सकती है, टी शर्ट फट जाएगी, बड़ी प्रिंटिंग नहीं छूटेगी। अच्छा अच्छा, इस प्रिंटिंग की यही क्वालिटी होती है सब्लिमेशन की, जिस फैब्रिक में आ गया वो अच्छे से आएगा। अच्छा ठीक, ये प्रिंटिंग का प्रोसेस था। डीटीएफ की प्रिंटिंग में आपको ऑलरेडी दिखा दिया हूँ, स्क्रीन के ऑर्डर होंगे, स्क्रीन प्रिंटिंग के भी वो भी हम कर देते हैं, वो भी डिपेंड करता है किस टाइप की टी शर्ट है उस तरह से प्रिंटिंग करते हैं हम। ये बात करते हैं अगर कोई मंगवाना चाहता है तो कहाँ कहाँ तक डिलीवरी करेंगे? ऑल ओवर इंडिया सर, अगर जहाँ से भी है, लखनऊ से लोकल है, कोई फैक्ट्री विजिट करके कुछ लेना चाहता है तो फैक्ट्री का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप फैक्ट्री के एड्रेस आके देख के वैरायटी को विजिट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप बाहर से हैं,
अगर आपको फैब्रिक से आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, आप सैंपल मंगा लीजिए। आप सैंपल मंगा के देख के हम सैंपल भी कोरियर कर देते हैं। जो भी आपका सैंपल चार्ज रहेगा, आपको सैंपल चार्ज वेयर करना पड़ेगा जी। वो आप देखिए सैंपल, सैंपल देख के आप सेटिस्फाइड हो गए टोटली, फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई सीन नहीं है कि मैं आपको ये फैब्रिक बता रहा हूँ तो ये मैं आपको भेज रहा हूँ कहीं और की तरह। बाकी जगहों पे होता है कि आपको ये फैब्रिक दिखाया, बाद में ये कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कपड़ा कुछ और दिखाते भेज देते? बिल्कुल नहीं, आप आके फैक्ट्री आके अपना आप फैब्रिक देख के आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं मैं आपको दिखाने पे। स्टार्टिंग से जो वैरायटी चलती है वो दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास जो सबसे सस्ती, जो सबसे रनिंग जो वैरायटी होती है वो होती है पॉलिस्टर की। पॉलिस्टर, इसको कुछ लोग लाइक्रा भी बोलते हैं। पॉलिस्टर 9200 जीएसएम की टी शर्ट होती है, आप देख लीजिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत कम होती है और फैब्रिक ऐसा नहीं है मेरा कि खींचने के बाद फट जाए। जैसे मैं आपको बोल रहा था, लोग प्राइस कंपेयर करते हैं सिर्फ, बाकी चीजें कंपेयर नहीं करते। फैब्रिक स्टिचिंग आपको इसकी सब फाइन मिलने वाली है, देश के पहले रहने वाला है। इसका प्राइस आपको स्टार्ट हो रहा है ओनली 38 रुपीज से। अगर आप इससे प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं तो प्रिंटिंग के चार्जेस, जिस टाइप की प्रिंटिंग रहेगी, जहां जहां पे आपकी प्रिंटिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग चार्जेस होते हैं। बाकी ये प्लेन का प्राइस है 100 MOQ के हिसाब से। ये प्लेन का प्राइस आपको एग्जैक्ट साइजेस के साथ में पॉलिस्टर 100 GSM की टी शर्ट जो रहेगी वो ओनली 38 रुपीज है। अच्छा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसका स्टॉक हमारे पास प्रॉपरली रहता है, हमेशा स्टॉक रखता हूँ। अच्छा, उसके पास उसके बाद आपको जो चलती रनिंग जो वैरायटी होती है वो ही सरिया की। सरिया मेरे पास 120-130 GSM के जो फैब्रिक होता है वो उसका स्टॉक रहता है हमेशा ही। ठीक है, ये पॉलिस्टर 120 GSM है फिलहाल। अच्छा, सरिया की वैरायटी हो गई। कॉटन बायोवास 180 GSM का फैब्रिक है, ये काफी सॉफ्ट है, काफी स्मूथ है। अच्छा, ये कौन सा कपड़ा बताएं? ये कॉटन बायोवास 180 GSM डुअल बायोवास, और इसके बाद गोल्ड फ्रीज भी करके ये फैब्रिक चलता है हमारे पास। इसका प्राइस हमारे पास कॉटन बायोवास का ओनली एंड ओनली 155 रुपीज रहने वाला है। 155 क्वांटिटी जिसकी है, क्वांटिटी के हिसाब से रेट है। मेरे कैसा कपड़ा क्वालिटी रहेगा? राइट 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 राइट। और फिर कुछ फैब्रिक आपको जो रनिंग होते हैं वो मैं आपको ओवरव्यू करवा देता हूँ। ये निर्मल नेट है, निर्मल नेट की अभी आपको देखा, अभी प्रिंटिंग भी चल रही थी निर्मल नेट की। निर्मल नेट का फैब्रिक नॉर्मली रेट होता है 75 रुपीज रेट होता है इसका। डॉट नेट है, निर्मल नेट की ही तरह डॉट नेट का फैब्रिक होता है, सिर्फ फिट की नीटिंग चेंज होती है। और मैं जानकारी लिए आपको बता दूं कि जो निर्मल नेट और डॉट नेट मेरे यहाँ जो फैब्रिक चलते हैं इनमें हम पॉलिस्टर नीटिंग नहीं यूज करते। हमारे पास इनमें जो थ्रेड यूज होता है वो माइक्रो नीटिंग का हमारे पास थ्रेड यूज होता है। प्रिंटिंग भी आप ये देख लीजिए, DTF की प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग हमारे पास काफ़ी फाइन होती है, कैनेटी कॉलेज का ऑर्डर है ये। बैक की जो प्रिंटिंग है वो स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग ही प्रॉपर करते हैं। अच्छा, ये हमारी रही वैरायटी की बात। कॉलर टी शर्ट में हमारे पास PC मैटी निर्मल नेट कॉलर। रिक्वायरमेंट भैया, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप प्रिंटर? हाँ, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी किसी पार्टी की रिक्वायरमेंट रही, कोई स्कूल है, कोई किसी स्कूल का ऑर्डर है, या फिर किसी को अपना प्रमोशन करवाना है, इलेक्शन का जो आ गया उसके हिसाब से, जो भी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम प्रिंटिंग करते हैं। लाइक किसी की कंपनी है, उनको अपनी कंपनी को प्रमोट करना है, शॉप है किसी क्वांटिटी में, अपनी शॉप को प्रमोट कर रहे हैं। आजकल टाइम में आपको समझ लो कि प्रमोशन, किसी भी काम को लेकर प्रमोशन बहुत जरूरी है। जैसे लोग डिजिटल के हिसाब से प्रमोशन करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए अभी आपको फिजिकली प्रमोशन भी बहुत जरूरी है। मार्केट में आपको आपकी टी शर्टें प्रमोट करना, इवेंट आ गए, इलेक्शन आ गए, होली आ गई, सारी वैरायटी चलती हैं। जो लोग दुकान पर बैठ के सब्लिमेशन कर रहे हैं, सब्लिमेशन में दुकान डाल रखी है, वो गिफ्टिंग में भी एक एक पीस करके सेल करते हैं, काफ़ी प्रॉफिट होता है उनमें भी। जो लोग काम डालना चाहते हैं काम डालते हैं। ये सारी हमारी वैरायटी थी। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ के जो ऑर्डर हैं, भैया हैं, आप लोगों को देखकर डिटेल में सब कुछ बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कौन कौन सा कपड़ा है, वैरायटी कराने वाला है। हम लोग पूरा गए थे, सैंपल एरिया देखे हैं, स्टिचिंग कैसे होता है, जो कपड़े का जुटी का जो साइज होता है, कोई चोर साइज नहीं है। ठीक है, आप लोग को सब कुछ हम लोग एक एक करके दिखाए हैं, बताए हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं या ठीक है प्रिंटिंग करवाना किसी भी नाम से, तो आप लोग करवा सकते हैं। जैसे स्कूल हुआ, ठीक है, अगर आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो ये सब आप लोग सिंपल प्रिंट भी करवा सकते हैं। बाकी अगर आपको और कुछ भी जाना है तो आप लोग को स्क्रीन पर जो नंबर है मेंशन कर दिया गया है, आप लोग भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। भैया, जो हमारे व्यूअर हैं, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं तो जो क्वांटिटी है, कितना पीस का क्वांटिटी मंगा सकते हैं? सर, मेरे पास जो मिनिमम क्वांटिटी होती है, देखिए जो स्टॉक रखे रहते हैं हम, उनमें स्टॉक में अगर कोई 10 पीस भी मांगता है तो हम वो प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो मिनिमम क्वांटिटी का जो ऑर्डर होता है वो 100 पीस होता है एक कलर में। आप साइजेस उसमें वेरी कर सकते हैं, बट आप कलर जो रहेगा वो एक कलर का 100 पीस का ऑर्डर मिनिमम होता है। कोई भी होलसेल में काम करता है वो उसके हिसाब से है, हमारे जो रेट है उसी हिसाब से है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से रेट है। आपके होलसेल में भी आपको ये रेट आपको पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मिलने वाला नहीं है। इवन आप दिल्ली वगैरह भी कंपेयर करेंगे तो भी आपको ये रेट नहीं मिलने वाला है। इस क्वालिटी में, इस वैरायटी में,
इस परफेक्ट स्टिचिंग और साइजेस में। ठीक है, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं नारायणा टेक्सटाइल से तो आप लोग जल्द से जल्द कॉल करिए। अगर आप लोग को नहीं भी लेना है तो आइए एक बार सैंपल देखिए, भैया का जो सैंपल है कैसा रहने वाला है, क्वालिटी देखिए कपड़े की क्वालिटी कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को आज का जो वीडियो है काफी अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और भैया से कॉन्टेक्ट करिए। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, भैया जाते जाते एक बार हमको यहाँ का एड्रेस और मोबाइल नंबर मैसेज कर दीजिए। मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल जो मोबाइल नंबर है 9670434453 ये रहने वाला है। लास्ट में आप 58 लगा के भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सेल्स पर्सन से जी। और एड्रेस जो हमारा है C1/554 रतनखंड शारदा नगर योजना नियर बाई आसियाना नियर बाई तेलीबाग, ये हमारा एड्रेस है। आप फैक्ट्री भी विजिट कर सकते हैं, ऑन कॉल आप ऑर्डर मंगवा सकते हैं या फिर आप यहाँ से देख के लेके जा सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।